बोलो तेजाजी महाराज की, देव नारायण भगवान की, रुणे जा श्याम की। साइड में यार, उधर भाई, देखो तार उधर हो जाओ, तार सर सर तार ये खाटा ना यहाँ सर उधर। राहुल जी ने सभी भाई लोगों ने निवेदन कह रहा हूँ, सारा नेता कनेटी पधार जाओ, सभी नेता कनेटी पधार जाओ, सारा भाई लोग अटी आ जाओ, अपना जगह का थोड़ा छोड़ दे, सभी भाई लोग अटी पधारो, ठीक कर रहे हो। अब आप चलो जी, आप आ जाओ पायलट साहब। चढ़ ऊपर चढ़िया, ऊपर हेलो हेलो राम राम जी, हेलो 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 साइड में साइड में। अरे दूसरा लोग उतर सामला कौन सा साथ खेल कौन सा सब नीचे उतरो भाई, सब लोग नीचे। नीचे बता दो विधायक महोदय सारण कार्यकर्ता गण भैया। खाली मुख्यमंत्री जी ऊपर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी, बाकी नीचे आ जाओ। रघु जी मैं सभी से जो नाथू भाई यहाँ पे, नाथू भाई बंद करो, सिर्फ यहाँ पे, अरे नाथू भाई बंद करो, यहाँ पे रहेंगे और दोतात्रा जी यहाँ पे रहेंगे, बाकी सबसे अनुरोध है, गहलोत जी रहेंगे, बाकी सबसे अनुरोध है कि सब नीचे आ जाएं। आइए हम सब लोग नीचे चलें, सिर्फ गहलोत जी, दोतात्रा जी और राहुल जी यहाँ पे रहेंगे, बाकी सबके सब लोग, सबसे अनुरोध है सब लोग नीचे जाएं प्लीज। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी को अजय माकन साहब जी से अनुरोध है, स्वागत करेंगे कि वो राहुल जी का स्वागत करें और अशोक गहलोत जी जाइए। अब दोतासरा जी आगे की कार्रवाई शुरू करें, ईस्ट में मत बैठो, ईस्ट टालो, बैठो बीस, और हम सब लोग बैठो बीस, टालो ईस, बैठो बीस, रघु जी इसके बीच में बैठो। रूपनगढ़ की इस किसानों की धरती के ऊपर हम हमारे नेता किसानों के लिए संघर्षशील आदरणीय राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, ये वो किसान है, ये वो किसान है जो आज तकलीफ में है, आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को ताकत देने के लिए आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करें, जय जवान जय किसान। जैसे मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे, हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, तमाम उपस्थित हमारे चारों ओर खड़े हुए बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये किसान महापंचायत एक संदेश देगी पूरे प्रदेशवासियों को। जिस रूप में आप खड़े हैं, ट्रैक्टर ले लेके आए हैं, इस बार के प्रतीक है जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी आंदोलन किसानों के हित के लिए पंजाब से।
हृदय से, उसके बाद में पूरे देश के अंदर जलजला उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में जगह जगह किसान सड़कों पे आ रहे हैं, गांव गांव में मीटिंग कर रहे हैं और अपनी बात समझा रहे हैं किस प्रकार से हर दर्मिता से जिस प्रकार मोदी सरकार दबन में उतरी हुई है, सड़कें खोद दी गई है, कीले लगा दी गई है, क्या क्या पानी के बौछारें हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप सब इन बातों को जानते हो। इसलिए मैं आह्वान करूंगा, राहुल जी अभी आपको विस्तार से बताएंगे, पर जो राजस्थान में आए हैं राहुल जी, मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनको निवेदन करूंगा वो अपनी बात सबको बताएं। राहुल गांधी जी। अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, प्यारे कार्यकर्ता, किसान भाइयों, भाई और बहनों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान के जो तीन नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है। तीन कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा। पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने का बिजनेस सबसे बड़ा है या हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस सबसे बड़ा है तो आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति महिंद्रा गाड़ी बनाता है, दूसरा व्यक्ति टाटा गाड़ी बनाता है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है।
कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके दो मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है, किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो अचार बनाते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेड़ी पटरी पे माल बेचते हैं, रेड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा। सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के लिए काम करेंगे। और देखिए दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए। आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपति हिंदुस्तान के 40% अनाज को कंट्रोल करता है, 40% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। उसके बाद वही किसान कंज्यूमर बनके फल खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, अनाज खरीदने जाएगा। वही उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी खरीद के अपने गोदाम में डालेगा। और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। यह दूसरे कानून का लक्ष्य है। पहले कानून का लक्ष्य भी बता देता हूं। आज जो पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का यह पहला कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। यह लक्ष्य है भाइयों और बहनों। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो। बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो।
जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां ऑप्शन दे रहे हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है और आप देख लेना। कोरोना के समय मैंने कहा था, फरवरी में कहा था, देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। और फिर इन्हीं के घरों में इन्हीं के परिवार के लोग बीमार हुए। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था ये गरीबों से चोरी है, आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था ये छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपतियों को देने का है। अब मैं कह रहा हूं ये जो तीन कानून बनाए जा रहे हैं ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को, हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, यह किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है, यह जो बिजनेस है कृषि का बिजनेस है, यह भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का सब हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो हमारे दो को देने वाले देने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया। हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता था। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Yeah.
भैया अपने अपने तैयार कर लो, रैली तैयार कर लो, चलो साथ में चलो, चलो ट्रैक्टर चलो भाई, चलो ट्रैक्टर चलो, धीरे धीरे चलो, मानपुरा तक, मानपुरा तक, मानपुरा तक चलो भाई, मानपुरा तक।